तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 42 अधिक हो रही है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। कोई भी संख्या है तो यहाँ पर कोई संख्या दिया ही नहीं है। ठीक है, तो जब दिया नहीं रहता तो वो अज्ञात संख्या मान रही है, तो अज्ञात संख्या तो हम उसको क्या लिखते हैं, मानक ही करके लिखेंगे कि वह संख्या क्या है, x है। तो हमारा जो पहला लाइन जो होगा वो यही लिखेंगे, मानक ही वह संख्या क्या है, x है। इस तरह से आप लिखोगे। साथ ही ये हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका कि किसी संख्या यानी कि x में 4 का गुणा कर दीजिए। क्या बोल रहा है, 4 का गुणा करने पर ये प्राप्त संख्या है। कोई संख्या है मान लीजिए 2 है, उसमें 4 का गुणा करने पर आपका क्या संख्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये जो प्राप्त संख्या है, ठीक है, वो उस संख्या से, ये जो प्राप्त संख्या है वो उस संख्या से 42 अधिक है। बोल रहा तो उस संख्या यानी क्या हुआ, वही संख्या है जो हमने लिया हुआ है। हमने क्या लिया है, एक्स लिया है। हमने यहाँ पर क्या लिया है, 2 लिया है। ये संख्या थी 2, ये हमारा वह संख्या था, इसमें मैंने 4 का गुणा किया तो 8 आया, तो ये मेरी प्राप्त संख्या हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट आगे कि उसी संख्या जो है, ये जो प्राप्त संख्या है वो उसी संख्या से 42 अधिक, यानी कि 2 और 42 को मैं जोड़ूंगी तभी ये होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो मेरा बोल रहा है। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि उसी संख्या बोल रहा है, यानी कि हमने जो संख्या ली हुई है वो उसी संख्या के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं, तो क्या बोल रहा है कि वह संख्या जो है यदि उस संख्या में 4 का गुणा कर दे तो जो हमारी प्राप्त संख्या होगी, तो ये मेरी प्राप्त संख्या होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 लिया था इसलिए मैंने 8 से गुणा कर दिया था, 4 से गुणा कर दिया था तो 8 लिखा था, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई भी संख्या नहीं है तो मैं इस तरह से ही लिखूंगी। ठीक है, किसी संख्या का 4 से गुणा कर दिए तो ये जो मेरा प्राप्त संख्या हुआ वो उसी संख्या यानी कि x से 42 अधिक है। तो मैंने बताया था 42 अधिक यानी जोड़ना, तो जोड़ने के निशान लगाएंगे और है यानी लगा देंगे बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो समीकरण बन जाएगा। ठीक, अब हम हल करेंगे, तो 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x हो जाएगा बराबर x प्लस 42, इस तरह से हो गया हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा बाएं पक्ष पर x आना चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए सिर्फ संख्या, तो संख्या तो है लेकिन यहाँ पर हमारा ये जो है चरराशि भी दिख रहा है, इसलिए हम इसको इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके हम क्या कहते हैं, पक्षांतर कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा 4x, ये जो x प्लस में इधर चल जाएगा माइनस में, बराबर क्या आ जाएगा 42, क्योंकि 42 हमारा प्लस में है तो वो प्लस में ही मैंने लिखा, यहाँ कोई भी माइनस साइन नहीं लगाना है। ठीक है, हमने इसको कहीं भी पक्षांतर नहीं किया, सिर्फ ये जो x था उसको रखा। ठीक है, तो 4 में से 3 घटेगा, सॉरी 4 में से 1 घटेगा तो हमारा आ जाएगा 3, और ये x का पद है इसलिए हम लिखेंगे x बराबर 42, इस तरह से आएगा हमारा। चूंकि यहाँ पर हमको सिर्फ x का मान निकालना है इसलिए इस 3 को भी हटाना होगा, तो 3 हमारा किस में दिया था, गुणा में, तभी हमारा क्या होता है, ये 3x होता है, जैसे कि हमने पहले ही किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा गुणा में था तो कहाँ चले जाएगा, भाग में, क्योंकि गुणा का पक्षांतर क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे, तो 3 एकम 3, यहाँ पर भी 3 एकम 3, 3 चौक 12, कैसे लिया, 3 एकम 3, ठीक है, 1 बचेगा, 1 यहाँ चले जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 3 चौक 12, तो इस तरह से हमारा जो मान हो गया, x का मान कितना आ गया, 14। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो लाइन हम माना की वाली लाइन में लिखते हैं उसे ही हम क्या करते हैं, उत्तर में ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह संख्या x की जगह क्या लिख देंगे, 14, तो वह संख्या 14 होगी। ठीक है, इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 बोला था वो आपको इस तरह से बनाना है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक आयत है जिसमें जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, जो लंबाई है वो हमारा चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है बोल रहा है, और साथ ही हमको आयत का जो परिमाप होता है वो दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है कि लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी।
तो यहाँ पर आप देखिए कि आयत दिया है, तो आयत में तो लंबाई चौड़ाई होती है, तो आपको यहाँ पर दिया है परिमाप। तो सबसे पहले तो आपको परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए कि आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई घन चौड़ाई। ठीक है, परिमाप यानी क्या होता है, ये परिमाप यानी क्या होता है जिसमें हम चारों जो भी भुजाएं हमको दिया जाता है उसको हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लंबाई 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 चौड़ाई चौड़ाई, ठीक है, इस तरह से लेते हैं तो यहाँ पर 2 लंबाई होती है और यहाँ पर 2 चौड़ाई होती है। ठीक है, 2 बार लंबाई होती है और 2 बार चौड़ाई होती है, इसीलिए जब हम लिखते हैं 2 लंबाई घन 2 चौड़ाई, तो जब हम परिमाप का लिखते हैं सूत्र तो 2 कॉमन हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है लंबाई घन चौड़ाई, इस तरह से आता है। तो ये परिमाप यानी क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, परिमाप यानी क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, इसलिए जब आयत का परिमाप हम निकालते हैं तो ये फॉर्मूला लगाते हैं 2 गुणा लंबाई घन चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको सेम दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया है कि जो हमारा लंबाई है वो क्या बोल रहा है कि चौड़ाई से 3 अधिक है, यही बोल रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है। हमको शब्दों को हेर फेर नहीं करना है, पहले बोला है लंबाई तो लंबाई लिखेंगे, चौड़ाई बोला है चौड़ाई लिखेंगे, 3 बोला है 3 लिखेंगे, अधिक यानी जोड़ना है तो जोड़ देंगे, है यानी बराबर निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे प्रश्न के अनुसार था, तो प्रश्न अनुसार लिख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमको बोला है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो हमारी लंबाई भी अज्ञात राशि है और चौड़ाई भी अज्ञात राशि, तो यहाँ पर हम 2 बार नहीं लिखेंगे x यहाँ पर और y यहाँ पर, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमको समीकरण को हल करना है ना कि कठिन बनाना है। यदि हम 2 अज्ञात राशि ले लेंगे तो यहाँ पर हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर किसी एक को x मानना होगा, ठीक है, और फिर दूसरा मान निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं लंबाई को x मानती हूँ तो यहाँ पर मैं चौड़ाई को हल करने में मुझे परेशानी होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें आपको पक्षांतर करना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक ट्रिक है कि जब भी आपको बराबर हो, बराबर के जो दाएं पक्ष पर आएगा, ठीक है, दाएं पक्ष पर जो अज्ञात राशि आएगी उसको आप क्या कर लीजिएगा, एक्स मान लीजिएगा। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, जो दाएं पक्ष पर आएगा उसमें जो अज्ञात जो मान है उसको क्या करना है, एक्स मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या लिखोगे, माना कि आयत की चौड़ाई क्या है, x है, ऐसा नहीं लिखना है, x है नहीं लिखना है, x यहाँ पर आपको जो दिया है परिमाप 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो भुजा होगी वो सेंटीमीटर में होगी तभी उसका परिमाप सेंटीमीटर में है, तो ये जो भुजा है हमारी लंबाई चौड़ाई उसको आपको क्या लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर लिखोगे x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फिर ये आपका 3 लाइन कम्प्लीट हो गया। तो जब आपने चौड़ाई को x माना तो यहाँ लिखोगे x धन 3। अब देखिए जो लंबाई है वो भुजा है, तो यहाँ पर x धन 3 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, साथ में सेंटीमीटर भी लिखना जरूरी है। ठीक है, यदि आप यहाँ पर नहीं लिखोगे तो गलत होगा। ठीक, भुजा हमारा सेंटीमीटर मीटर में होना ही चाहिए। ठीक, उसके बाद हमको दिया है परिमाप, यहाँ पर हमको पता चल गया कि चौड़ाई x सेंटीमीटर है और लंबाई x प्लस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमको दिया है आयत का परिमाप, तो हम यहाँ पर आयत का परिमाप का ही सूत्र लगाएंगे। क्या होता है आयत का परिमाप, 2 गुणा लंबाई घन चौड़ाई, ये होता है परिमाप। हमको दिया है 30 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, बराबर में एक शब्द लिखेंगे, 2 गुणा लंबाई का मान हमारा देख लीजिए क्या है, x धन 3 है और चौड़ाई का मान हमारा x है, इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, 30, देखिए ये जो 2 था वो पूरा कॉमन था मेरा, है ना, तो कॉमन था तो गुणा में है तो कहाँ चले जाएगा, वो पूरा भाग में, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो इसके बाद ये जो 2 है वो मेरा यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए कोष्टक के अंदर देख सकते हैं आप, x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा और प्लस 3, चाहे तो आप एक लाइन आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 30 का आ 15 हो जाएगा, आप यहाँ पर काट भी सकते हो इस तरह से, और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3।
ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 30 लिखा, 2 लिखा, 2 गुणा एक्स धन 3 एक्स धन 3। यहाँ पर आप एक लाइन इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं कि सबसे पहले आप पुस्तक को हल करते हैं इस तरह से, तो एक्स एर एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब ये दो गुणा में है तो भाग में ले जाइए इस तरह से 2x प्लस 3, यहाँ से काटेंगे तो ये हो गया 15। तो इस तरह से 15 बराबर 2x धन 3, ये हमारा समीकरण बनेगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट नहीं है अभी भी, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2x दिया है, यहाँ पर 15 दिया और यहाँ पर 3 दिया, तो इस x से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस 2 को भी हटाना है और इस 3 को भी हटाना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि कौन सा आसानी से निकल सकता है, तो ये हमारा क्या है, 3 जो है इसमें x नहीं है, तो ये इस 3 को ही हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो 3 हमारा क्या है, प्लस में दिया है तो उधर जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2x बराबर 15 माइनस 3, ये जो 3 मेरा प्लस में था उसको प्लस में कर दिए माइनस में। ठीक है, ये हो गया 2x बराबर 15 में से 3 घटेगा कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 12 बटे 2, क्या किया मैंने, ये 2 गुणा में था वो कहाँ चले जाएगा, भाग में, ये 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो x का मान हमारा कितना आगे 6। ठीक है, x का मान आया 6, तो आप देखिए x आपने किसने माना था, तो ये हमारा जो चौड़ाई है वो उसको हमने x माना हुआ था, तो आप यहाँ पर आपका आंसर क्या आया कि चौड़ाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये आया। ठीक है, लेकिन हमको चौड़ाई ज्ञात कीजिए सिर्फ यही बोला है क्या, नहीं बोला है, हमको क्या बोला है, लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो लंबाई में आपको एक्स दिख रहा है उसकी जगह आपको क्या करना पड़ेगा, मान रखना होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मान आया था x बराबर 6 सेंटीमीटर, तो इससे मैंने क्या कहा कि ये क्या है आपका, चौड़ाई है, क्योंकि हमने x को चौड़ाई माना था। ठीक है, तो चौड़ाई हमारा आगे 6 सेंटीमीटर, अब हमको निकालना है लंबाई, तो क्या लंबाई जो होगी वो हमारा आया हुआ था x प्लस 3 सेंटीमीटर इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा 6 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जब उत्तर लिखोगे तो आप लिखोगे पूरा आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से आप पूरा उत्तर में लिखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिया है उसमें भी आपको आयत की लंबाई या चौड़ाई दिया है, लेकिन वहां पर क्या दिया है, 2:3। आपको वहां पर लिखा हुआ है आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, तो लंबाई 2, चौड़ाई 3। ठीक है, इस तरह से ले लो, पहले यदि चौड़ाई बोलता तो चौड़ाई का मान 2 हो जाता और लंबाई का मान 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी अनुपात में दिया रहता है तो उसको हमको यहाँ पर एक्स लेके बनाना होता है, क्योंकि अनुपात का मतलब है कि वहां पर वो चीज फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, लंबाई जो है वो हमारा 2x सेंटीमीटर होगा और चौड़ाई जो हो जाएगा हमारा 3x सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो परिमाप दिया हुआ है वो हमारा दिया है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से दिया है, तो यहाँ पर आपको लंबाई और चौड़ाई ऑलरेडी मिल गया है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट यहाँ पर आयत का जो परिमाप का सूत्र है जो अभी मैंने बताया उस पर रखोगे, वहां से आपका x का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। मान लीजिए x का मान जो है आपका 3 आ रहा है। ठीक है, x का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अब आपका x का मान है, यहाँ देख लीजिए x का हमने किसी को नहीं माना था, लेकिन जो हमारा लंबाई और चौड़ाई, जो कि मैंने पहले ही बताया कि लंबाई जैसे हमारा क्या था, x धन 3 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख रहे थे ना, वैसे हम क्या करेंगे, जो हमारा x का मान आएगा उसमें देख लीजिए लंबाई और चौड़ाई में हमारा x है, तो हम क्या करेंगे कि इस x का मान यहाँ पर रखेंगे। कैसे रखोगे आप, ठीक है, मान लीजिए ये आपका आ गया x बराबर 3, तो यहाँ पर लिखोगे आप लंबाई 2x सेंटीमीटर है, तो
तो 2x यानी 2 गुणा x का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर x लिख देते हैं, x नहीं लिखना है। x कैसे लिखोगे, यहाँ पर आपका x का मान रखोगे तभी तो हमको संख्या में बदलेगा, है ना। x लिख दोगे तो कैसे रह जाएगा, इस x को ही हटा के हमको क्या लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम आप चौड़ाई निकालोगे तो चौड़ाई आपका क्या है, 3x सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा एक्स का मान कितना है 3, तो 3 किया 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लंबाई और चौड़ाई निकालोगे। ठीक है, आपको परिमाप का फॉर्मूला लगा देना है, डायरेक्ट 2 गुणा लंबाई ना चौड़ाई, इसमें मान रखना है, वहां से आपको एक्स का मान निकालना है, जो भी आएगा आपका उसको आपको लंबाई और चौड़ाई में रखना है। ठीक है, इस तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा था वो आप सॉल्व करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 को बोल रहा है 35 विद्यार्थियों की कक्षा में बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या की 2/5 गुनी है। हमको वहां पर निकालना है कि कक्षा में बालकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो एक कक्षा है, आप भी कक्षा में पढ़ते होंगे, तो वहां पर सिर्फ लड़के नहीं पढ़ते, वहां पर सिर्फ लड़कियां नहीं पढ़ती। ठीक है, और जो लड़के और लड़कियां जो पढ़ते हैं एक साथ, तो उसमें जो संख्याएं होती है वो बराबर नहीं होती, कभी लड़के ज्यादा होते तो कभी लड़कियां ज्यादा होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोल रहे हैं कि बालिकाओं, आपका जो बुक में वर्ड रहता है उसको हटाना नहीं है। ठीक है, तो बोल रहा है बालिकाओं की जो संख्या है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, बालकों की संख्या, क्या बोल रहा है, बालिकाओं की जो संख्या है वो बालकों की संख्या का यानी कि आप बताए कि मैंने गुणा होता है। ठीक है, कितना गुणा होता है, 2/5 गुणा है, यहाँ पर बोल रहा है यानी बराबर। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न बोल रहा है कि बालिकाओं की जो संख्या है वो बालकों की संख्या का 2/5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको मानना है, यहाँ पर भी 2 अज्ञात राशि हो गई, बालिकाओं की संख्या और बालकों की संख्या। ठीक है, तो आपको दिया भी है कि आपको क्या करना है, बालकों की संख्या ही ज्ञात करनी। और मैंने एक चीज और भी बताया था कि दाएं पक्ष पर जो आपका अज्ञात राशि रहेगा उसको ही आपको क्या मानना है, एक्स मानना है। ठीक है, इस हिसाब से बालकों की संख्या को ही आपको क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हल, आप लिखोगे माना बालकों की संख्या एक्स है, इस तरह से आप लिखेंगे प्रश्नानुसार बालिकाओं की संख्या बराबर बालकों की संख्या का 2/5 गुना, यही बोल रहा था हमको। ठीक है, तो बालकों की संख्या को हमने क्या माना हुआ है, एक्स माना हुआ है, गुणा 2/5, यानी कि क्या हुआ, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक लगा सकते हो, 2 का एक्स से गुणा करेंगे तो 2x होगा, 5 का एक्स से करेंगे तो 5 एक 5, इस तरह से हमको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। ठीक है, तो बालकों की संख्या x प्राप्त हो गया और बालिकाओं की संख्या 2x+5। चूंकि यहाँ पर दिया है 35 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी कि एक कक्षा में जो बालक और बालिका हैं उनका जो टोटल योग है, ठीक है, वो कितना है, 35 है, 35 में कुछ बालक है और कुछ बालिका है। ठीक है, तो जो चीज हमको दिया है उसे ही लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बालकों की संख्या, ठीक है, प्लस बालिकाओं की संख्या, उनका जो योग बोल रहा है। ठीक है, कितना दिया है, 35, यहाँ पर योग नहीं बोला है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 35 विद्यार्थियों की कक्षा बोल रहा है तो बालक और बालिकाओं की संख्या को जोड़कर ही 35 बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो बालकों की संख्या हमारी क्या है, एक्स है, प्लस कर देंगे बालिकाओं की संख्या हमारी कितनी आई है, 2x+5, ये आई हुई है बराबर 35। अब आप इसको जोड़ नहीं सकते, क्यों जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये आपका क्या है, परिमेय संख्या, इसके बटे में एक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि दोनों क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, इसको आपको अलग तरीके से हल करना होता है, क्या करना होगा, आपको लघुत्तम समापवर्तक लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का 1 से लघुत्तम ले लेते हैं तो 5 एकम 5 हो जाएगा, सेम यहाँ पर हो जाएगा 5x आ जाएगा और यहाँ पर 2x आ जाएगा। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे तो इस तरह से आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 35।
ठीक है, तो पांच और दो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सात एक्स हो गया, बटे में क्या आ गया पांच बराबर 35, इस तरह से हो गया। ठीक है, यदि आपको अब क्या करना है, इस x को हटाना, सॉरी x को रखना और 7/5 को हटाना है। यदि आप एक साथ 7/5 को नहीं हटा पा रहे हैं, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले इस भाग को हटाओ और फिर गुणा को हटाओ, क्योंकि इसमें x नहीं है, है ना, जिसमें x नहीं रहता है हम उसको पहले हटाते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे, 7x लिख देंगे इस तरह से, फिर क्या करिए 35 लिखिए। ठीक है, अब सबसे पहले आप पांच को हटाइए, पांच किस में दिख रहा है, बटे यानी भाग, तो भाग का पक्षांतर क्या होता है गुणा, इस तरह से हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर चाह है तो आप गुणा भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर x करके 7 को पक्षांतर कर दीजिए, ये जो 7 गुणा में है वो कहाँ चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ, या फिर ये लाइन आप एक इसको स्किप करके ये लाइन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका आया हुआ था 35 गुणा 5 बटे 7, तो मैंने यहाँ पर काटा 7 × 7 = 35, इस तरह से मैंने काटा। तो x का मान यहाँ पर देख सकते हो 5 × 5 यानी कितना हो गया, x बराबर 50, 25, इस तरह से आया हुआ है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 25। तो x देखिए हमने किसको माना हुआ था, बालकों की संख्या को, तो जो आपको निकालने बोला था वो आपका आ गया, तो आप यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं कि बालकों की संख्या x की जगह क्या आ जाएगा, 25 होगी। ठीक है, इसके साथ यदि आपको जैसे हम टोटली पूरा हल करते हैं तो यहाँ पर बालिकाओं की संख्या भी निकाल सकते हो, बालिकाओं की संख्या आपका क्या आया था 2x + 5, ये था, इसमें आप x का मान रख के भी बालिकाओं की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर रख सकते हो आप 2 × x का मान 25/5, 5 × 5 = 25, तो इस तरह से 2 × 5 = 10, तो बालिकाओं की संख्या 10 है, बालकों की संख्या 25 है, बालिकाओं की संख्या 10 है, तभी दोनों को जोड़े थे तो कितना आया था 35। ठीक है, तो इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन को बदल रहा है कि बालिकाओं की संख्या निकालिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मान रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है किसी संख्या के चौथाई, देखिए यहाँ पर शब्द बोल रहा है चौथाई, चार से गुणा करने नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है चौथाई। ठीक है, जैसे हमने पीछे में पढ़ा था ना कि भाग 2/3 भाग यानी क्या हो रहा था, वो हिस्सा हो रहा था। ठीक है, वैसे यहाँ पर चौथाई बोल रहा है, यहाँ पर सिर्फ चार नहीं बोल रहा है, चौथाई बोल रहा है यानी कि चौथा हिस्सा हो गया। ठीक है, तो जब हिस्सा रहता है हम क्या लिखते हैं, उसको बटे में लिखते हैं, तीसरा हिस्सा बोलता है तो हम क्या लिखते हैं 1/3 लिखते हैं कि नहीं, वैसे यहाँ पर चौथा हिस्सा बोल रहा है यानी कि हम क्या करेंगे 1/4 लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ चार बोलता तो चार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर चौथाई बोल दिया यानी कि चौथा हिस्सा हो गया, इसलिए हम 1/4 लिखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न हमको बोल रहा है कि किसी संख्या यानी कि x का, ठीक है, चौथा हिस्सा यानी कि चौथाई, किसी संख्या के चौथाई में क्या करना है हमको, 12 जोड़ना है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो रहा है, 20 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हमको प्रश्न बोला है किसी संख्या के चौथाई में यानी कि चार के गुणे में, चार के हिस्से में क्या करना है, 12 को जोड़ना है, तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वह संख्या x है, आप माना कि मैं लिखिए कि वह संख्या क्या है, x है, यह आपका प्रश्न के अनुसार होगा, और इस तरह से आप समीकरण को बनाओगे। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, तो x/4 / 12 = 20। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, इस 12 को हटाओगे। ठीक है, क्योंकि ये आप इसमें आपका x नहीं है, तो आप इसे डायरेक्टली हटा सकते हैं, यहाँ पर आपको परिमेय संख्या को से लेकर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जो 12 है वो आपका डायरेक्टली हट जाएगा, 12 प्लस में है तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इस तरह से x/4 = 20 - 12 होगा। ठीक है, आप इसको फिर इसको हल करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप हल करिएगा कि 20 में से आप क्या करोगे, 12 को घटा दोगे तो 8, यहाँ पर 4 भाग में है गुणा में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 × 32, तो इस तरह से हमारा क्या है, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमको बोल रहे हैं नम्रता के पिता की आयु नम्रता की आयु की द्विगुनी है, दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है। ठीक है, जो हमने
समीकरण जो शर्त दिया था उसमें दिया था पिता क्या ही पुत्र क्या ही, सेम हमको वहां पर जैसे हमने लिखा था सेम हमको यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोले है नम्रता के पिता की आयु, ठीक है, नम्रता के पिता की आयु जो उम्र है वो क्या है, नम्रता की उम्र का, नम्रता की आयु का, आयु या उम्र, ठीक है, आयु दिया है तो आयु लिखिए, उम्र दिया है तो उम्र लिखिए, नम्रता की आयु का क्या बोल रहा है तिगुना, यानी कि तीन से गुणा करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था दो गुना बोलता है तो दो से गुणा करते हैं, तीन गुना बोलेगा तो तीन से करेंगे, है यानी क्या होता है बराबर। तो हम यहाँ पर दोनों ही अज्ञात राशि है तो आप बताइए किसको मानेंगे, इसे मानेंगे या फिर इसे, तो हम किसे मानेंगे, नम्रता की आयु को। तो यहाँ पर आप पहले लाइन में लिखोगे माना नम्रता की आयु एक्स है, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, आयु बोल दिया है यानी कि क्या है वो आपका साल है, उसकी उम्र है, तो उम्र हमेशा वर्ष में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वर्ष, जब आपको क्वेश्चन में भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा दोनों की आयु का जो योग है वो 48 वर्ष ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको भी यहाँ पर क्या लेना है एक्स वर्ष लेना है। ठीक है, तो नम्रता की आयु हमारा एक्स हो गया, गुणा तीन करेंगे तो एक्स गुणा तीन यानी कितने हो गए तीन एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये भी वर्ष, क्योंकि पिता की आयु आप निकाल रहे हो कि तीन एक्स हो जाएगा वो। ठीक है, वर्ष मिलेंगे। उसके बाद आपका जो सेकंड प्रश्न अनुसार बोल रहा है, ठीक है, ये हो गया प्रश्न अनुसार, सेकंड आपका प्रश्न बोल रहा है, इसमें फिर से आप पुनः प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर पुनः प्रश्न अनुसार बोल रहा है कि प्रश्न के अनुसार हम फिर से पढ़ रहे हैं कि दोनों की आयु का योग है। ठीक है, दोनों की आयु यानी कि नम्रता की आयु और उसके पिता की आयु का योग बोल रहा था, इसलिए हमने प्लस लगाया हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा है कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो नम्रता की आयु और उसके पिता की आयु का योग जो है वो कितना बोल रहा है हमको 48 वर्ष बोल रहा है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, तो नम्रता की आयु हमारी x वर्ष है, पिता की आयु हमारी 3x वर्ष है, इन दोनों का योग कितना बोल रहा है 48। ठीक है, यहाँ पर सिंपल हमको दिख रहा है x दिख रहा है 3x दिख रहा है और इसमें प्लस दिख रहा है तो तीन और एक मिलकर 4x हो जाएंगे बराबर 48। ठीक है, चार यहाँ पर गुणा में है चले जाएगा भाग में, यहाँ पर पक्षांतर करने पर आपको लिखना होगा। ठीक है, चार एकम चार, चार एकम चार, चार दुनी आठ, तो इस तरह से हमारा देखिए कि x का मान कितना आ रहा है 12 वर्ष आ रहा है। तो x हमें माना हुआ था नम्रता की आयु को। ठीक है, आपको दोनों की आयु निकालना है तो आप दोनों की आयु निकालिए, यदि दोनों में से किसी एक का बोल रहा है तो किसी एक का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया है दोनों की आयु ज्ञात कीजिए तो आप यहाँ पर दोनों की आयु ज्ञात करेंगे। ठीक है, यदि आपको सिर्फ नम्रता की आयु बोलता तो आप यहाँ पर उत्तर में लिख सकते हैं कि नम्रता की आयु 12 वर्ष होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पिता की आयु भी बोला है तो हम यहाँ पर पिता की आयु भी निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे कि नम्रता की आयु 12 वर्ष है, फिर नेक्स्ट आप लिखोगे पिता की आयु और यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है, आपका हट जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पर आपका आ गया x बराबर 12 वर्ष, ये आपका आ गया। ठीक है, आप नीचे लिखेंगे नम्रता की आयु क्या है 12 वर्ष, देन आपको लिखना है पिता की आयु कितनी थी 3x वर्ष थी, ये था। ठीक है, अब हम मार देंगे तीन गुणा, चूंकि गुणा में है 12 वर्ष वर्तिया 36। ठीक है, यहाँ पर हो गया वर्ष, तो इस तरह से आप देखेंगे कि नम्रता की आयु कितनी है 12 है और पिता की आयु 36 वर्ष है। ठीक है, 12 में 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि हमारा प्रश्न यही बोल रहा था कि जो पिता की आयु नम्रता की आयु का 3 गुना है। ठीक है, पिता की आयु ज्यादा ही होगी है ना नम्रता से, तो नम्रता की आयु 12 वर्ष है, उसमें 3 का गुणा किए तो 36 वर्ष हो गया। जब आप उत्तर लिखोगे तो पूरा लिखेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं नम्रता और उसके पिता की आयु 12 वर्ष थी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो नम्रता और पिता दोनों की आयु क्या अलग अलग है, तो आपको अलग अलग ही लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे कि नम्रता की आयु 12 वर्ष तथा पिता की आयु 36 वर्ष होगी। ठीक है,
ठीक है, या फिर आप इस तरह से लिखते हैं कि नम्रता की आयु 12 वर्ष है तथा नम्रता के पिता की आयु 36 वर्ष है। इस तरह से आप पूरा पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है। जब यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, मेन आंसर जब बताएंगे, तो आप पूरा स्पष्ट लिखेंगे कि आप नम्रता की आयु 12 वर्ष बता रहे हैं और उनके पिता की जो आयु है वो 36 वर्ष बता रहे हैं, ठीक है।